आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। फतेहपुर जिले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने तूफानी दौरा किया। उन्होंने नुक्कड़ सभा भी की और जहानाबाद में भी रुकी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये वही सरकार है जो कहती थी कि हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन किसी के खाते में 1 रुपया भी नहीं आया, क्योंकि ये सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। दुनिया में पहला ऐसा संघर्ष था जो अहिंसा और सत्य के आधार पर था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारा देश दुनिया में पहला ऐसा देश है जो सत्य के आधार पर बना, जिसकी नींव सत्य के आधार पर डली। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस देश में सत्य छुप नहीं सकता। तो जितना भी प्रचार करें, आप टीवी ऑन करेंगे आपको नए प्रचार दिखेंगे, आप अखबार खोलेंगे बड़े बड़े इश्तिहार दिखेंगे, आपको बताया जाएगा कि कितना विकास हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ, हमने ऐसा किया वैसा किया, 60 सालों से किसी ने कुछ नहीं किया था भाई, सब हम ही ने किया है, लेकिन अब जानते हैं और हम जानते हैं खुद की कुछ नहीं किया, क्योंकि ये सत्य जो है इसको आप जी रहे हैं, इस सत्य को आप जी रहे हैं। आप अपने खेतों की चौकीदारी कर रहे हैं, कोई आ नहीं रहा है आपकी चौकीदारी करने। हरदोई में भाजपा नेता नरेश अग्रवाल के मुसलमानों पर बिगड़े बोल सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान भी हिंदू हैं और भारत हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। उन्होंने कहा कि इस देश में अगर रहना है तो भारत माता की जय कहना ही पड़ेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र रहेगा, हिंदुस्तान सभी मुस्लिम राष्ट्र रहेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत माता की जनसंख्या मथुरा से भाजपा प्रत्याशी और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी ने फिल्म शोले का डायलॉग उस समय नए अंदाज में बोला जब वो मथुरा की मांड विधानसभा इलाके के जेसवा गांव में जनसंपर्क करने पहुंची। दरअसल हुआ यूं कि ग्रामीणों ने हेमा मालिनी से शोले की बसंती वाला डायलॉग सुनाने की फरमाइश कर डाली, लिहाजा हेमा मालिनी ने शोले का डायलॉग नए अंदाज में बोल दिया। सिद्धार्थनगर में हिंदू नववर्ष के मौके पर कवि सम्मेलन का आयोजन भव्य तरीके से किया गया। इस मौके पर हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी और विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दीप जलाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। विधायक राघवेंद्र सिंह ने कहा कि इस तरह का आयोजन होने से हिंदू समाज प्रेरणा लेगा। इटावा जनपद के एकदिल थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 पर दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें एक लड़की की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब भाभी और नंद बाजार से खरीदारी करके लौट रहे थे, तभी तेज रफ्तार पत्थर से लदा ट्रक नंद को रौंदता हुआ मकान में जा घुसा। हादसे में 18 वर्षीय नंद संगीता राजपूत की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ है। मऊ जनपद के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार अवैध शराब के कारोबार को रोकने के लिए कार्रवाई कर रही है। ताजा मामला दोहरी घाट और मधुबन थाने क्षेत्र का है, जहां दीवारा इलाके में अवैध शराब का कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है, लिहाजा अवैध शराब पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और मौके से सैकड़ों लीटर अवैध शराब बरामद की। साथ ही 14,000 लीटर लहन नष्ट किया गया। बलिया में दर्दनाक हादसा उस वक्त पेश आया जब घाघरा नदी में स्नान करने गए 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गहरे पानी में आ जाने से किशोर की डूबकर मौत हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक सिकंदरपुर कस्बे के डोबनपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। रायबरेली जिले के सरैनी थाना पुलिस और स्क्वाड सर्विलांस टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाकर सरैनी थाना क्षेत्र के सिधोर तारा जंगल में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में अवैध हथियार और तमंचा बनाने का सामान बरामद किया गया। फैक्ट्री से 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है।
बुलंदशहर की कोतवाली नगर क्षेत्र के मोतीबाग स्थित एक मकान में 70 साल से रह रहे दलित परिवार को पुलिस की मौजूदगी में एक कानूनगो ने घर से धक्का देकर बेघर कर दिया। मकान मालिक को घर से बाहर धक्का देकर निकालते हुए कानूनगो का वीडियो वायरल हो गया। पूरे मामले में अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि फोन पर दावा कर रहे हैं कि महिला समिति बुलंदशहर की जमीन पर मकान बना था जिसे खाली कराया गया है। खाली कराने से पूर्व नोटिस जारी किया गया था, जबकि दलित परिवार का कहना है कि उनका परिवार 3 पीढ़ियों से यहां रहता आया है। हमीरपुर में सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी दिलीप कुमार सिंह ने चुनाव निर्वाचन आयोग और जिला प्रशासनिक अमले की खुलेआम धज्जियां उड़ाई। नामांकन पत्र दाखिल करने आए सपा बसपा गठबंधन प्रत्याशी की लग्जरी गाड़ी सभी सुरक्षा घेरे को तोड़ते हुए सीधे नामांकन कक्ष तक पहुंच गई। नियमों के मुताबिक गठबंधन के प्रत्याशी की गाड़ी को चेक भी नहीं किया गया और सुरक्षा कर्मी मूक दर्शक बने रहे। जिला प्रशासन इस बड़ी चूक पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।